उसी समय गिरिजा ने समझाया कि हे सप्तऋषियों, मैं और किसी के लिए नहीं बल्कि भगवान भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही हूं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए अपना ये कोमल अंग जला रही हूं, और जब तक मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक शांति से नहीं बैठ सकूंगी। और गिरिजा ने जवाब दिया है कि हे सप्तऋषियों, मेरी बात सुनो, गिरिजा बोली, सप्तऋषियों से जवाब दिया है कि हे सप्तऋषियों कि देख लो मेरे दिल के और नगीने में श्री भोले नाथ जी बैठे हैं तेरे सीने में। श्री भोले नाथ जी बैठे हैं तेरे सीने में। किसके लिए कर रही हूं सुनो, देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री भोले नाथ जी बैठे मेरे सीने में। श्री तालियां बजा करके बोले, इसलिए मैं तो उनको मनाती रहूं जब तक आए ना भोले बुलाती रहूं। इसलिए मैं तो उनको मनाती रहूं जब तक आए ना भोले बुलाती रहूं। और बोली है गिरिजा, एक बात ना तुम्हारी ही मानूंगी मैं, एक बात ना तुम्हारी भी मानूंगी मैं, शांति सुख ही तो है ऐसे जी श्री भोले नाथ जी बैठे हैं तेरे सीने में। श्री भोले नाथ जी बैठे हैं तेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के श्री भोले नाथ जी बैठे मेरे सीने में। गिरिजा ने इस प्रकार से सप्तऋषियों का प्रश्न का उत्तर उन्हें दिया है।
सप्तऋषि समझ गए परीक्षा लेने गए थे, समझ गए कि गिरजा सच्चा प्रेम करती हैं भोले बाबा से। उसी समय कहा कि हे गिरजा, हमें माफ कर देना, हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। सप्तऋषि क्षमा मांग करके वहां से चले गए हैं। गिरजा तपस्या करने लगी हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इधर तो गिरजा मैया तपस्या कर रही थी, अब इधर गिरजा को छोड़ करके आ जाइए दैत्यों और देवताओं की तरफ। देवताओं और दैत्यों में भाई भाई का रिश्ता था, जो मैंने दिन में कथा सुनाई थी। और दिति से मैंने बताया था राक्षस पैदा हुए और अदिति मैया से देवता पैदा हुए। तो महाराज देवता और दैत्यों में धीरे धीरे दुश्मनी हो गई, बैर बन गया, इनमें लड़ाई झगड़ा आपस में होने लगा, एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे। श्री सुखदेव जी कहते, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, ये सत्य बताया गया है, एक तारक नाम का जो राक्षस था, ये सभी को बहुत परेशान करने लगा, रात और दिन सभी को बहुत सताता है, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को पीट रहा है, और ये आज भी चल रहा है। एक कवि ने लिखा है, देखा जाता है आज भी गांव गांव में भाई भाई हिस्सा, भाई भाई का हिस्सा हड़प रहा है, भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई को मार रहा है। तो एक कवि ने कल्पना की है, लला सोनू, क्या कि मेरे भ्रातृष्य में धोखा नहीं, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, कोई कथा नहीं बल्कि कड़ी उठा रही हूं। देखिए वीर परशुराम को, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा पाते ही पाते उसने क्या किया, दे दी आज्ञा ऋषि जमदग्नि जी ने दी, सगे भाइयों को जिसने ही मार ही दिया, जमदग्नि ने बेटा परशुराम को आज्ञा दे दी कि भाइयों को मार दो, माँ को मार दो, तो उसी समय मार दिया। देखे इतने गम पर भी रोता नहीं, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, परशुराम को छोड़िए। अब आ जाइए रावण की तरफ, और
विभीषण की तरफ। भेद बतलाने को वो तो माने गया, अपनी मैया का भेद बता ही दिया। सगे भाइयों को उसने ही मरवाने में दिल में अब तो बोध है ना छोड़िए महाराज, अब आइए अपने शरीर के ऊपर। एक शिकारी जंगल में गया, उसने एक शेर को देखा और जब शेर को देखा है, शेर के उसने तीर मारा, शेर जमीन पर गिर गया, फिर उठा भागने लगा, शरीर से खून निकलने लगा, खून बहता हुआ जा रहा है, शेर तो भागता जा रहा है, खून बहता जा रहा है। देखिए